गोटेगांव के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। दरअसल कुसीवाड़ा निवासी प्रकाश सिलावट को सीने में दर्द होने के कारण उसे अस्पताल लाया गया था। नर्स और डॉक्टर्स ने उसका प्राथमिक उपचार किया, जिसके बाद परिजन मरीज को घर ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। परिजन प्रकाश को लेकर दोबारा अस्पताल लेकर आए और हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। परिजन ने नर्स और डॉक्टरों पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है। इस घटना के संबंध में अस्पताल के VMO से भी चर्चा की गई है, लेकिन अभी तक घटना की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। क्या मामला है? उसी में दर्द भाव घर चला है, मेरा मुझे इंजेक्शन लगाओ नहीं लगाओ, उनको हाथ तोड़ के सूझ जाओ। कहाँ पर लेके आए? ये कहीं सरकारी अस्पताल। क्या हुआ यहाँ पे? घर ले खत्म हो गया। क्या हुआ था उनको? अभी कितने देर पहले आए? घंटा पहले। एक घंटा पहले फोन आया था। डेढ़ घंटा तो इनका सीना पर रहा। उधर क्या ट्रीटमेंट होगा? आपका क्या नाम? मोहन सिलावट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोटेगांव में आज एक पेशेंट जो सीने में दर्द की शिकायत लेकर आया, जिसका प्राथमिक उपचार हमारे डॉक्टर शैलेंद्र द्वारा किया गया और उनको जांच के लिए सलाह दी गई, तो परिजन को घर ले गए और घर जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और परिजन फिर हॉस्पिटल लेके आए, जिनको हमने डेथ घोषित किया और पोस्टमार्टम हेतु सलाह दी। सर, परिवार के लोग बोल रहे हैं कि इंजेक्शन लगाया गया था। नहीं, हॉस्पिटल में ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है, बस उनको गैस की प्रॉब्लम हुई तो रैनिटिडिन इंजेक्शन।